हाय फ्रेंड, वेलकम टू एक्स्ट्रा गेन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट के A4 लेमिनेशन मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बॉक्स कंटेंट ओपन होने से पहले हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल टाइप का लेमिनेशन मशीन है जिसकी विड्थ है 9.4 इंच और लेमिनेशन थिकनेस जो है दोस्तों 9.8 मिलीमीटर। दोस्तों, आगे बात करूँ लेमिनेशन टाइप की, थर्मल पाउच, कोल्ड प्रेशर सेंसिटिव पाउच टाइप के इस लेमिनेशन कर लेता है। दोस्तों, कलर की बात करूँ तो ब्लैक कलर है। दोस्तों वार्म अप टाइम 3 मिनट लग जाता है इसे। फोटो बिल्कुल सेफ लेमिनेशन करता है। इसके अलावा बात करूँ तो लेमिनेशन स्पीड कंट्रोल इसमें नहीं मिलता है। नंबर ऑफ रोल्स 2 है। दोस्तों, जैम रिल बटन आपको मिल जाता है। पोर्टेबल है, कैरी हैंडल है। दोस्तों, इसके आगे बात करूं तो इसकी जो वेट है वो 1.2 kg है। इसके अलावा दोस्तों आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। दोस्तों, इस लेमिनेशन मशीन में कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है तो जो कि वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। चलिए दोस्तों, बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी जो लेमिनेशन मशीन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। लाइट वेट है, 1.2 kg। तो दोस्तों, आप इसे होम या ऑफिस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एलिमिनेशन मशीन यूज़ करते हैं तो आपको ये मशीन कैसा लगा और इस पर क्या इश्यूज़ आए हैं, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप इस मशीन को परचेस करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस लेमिनेशन मशीन के साथ दोस्तों टोटल 5 सीट जो लेमिनेशन शीट होती है दोस्तों फ्री मिलती है आपको, जो कि ट्रायल वर्जन के लिए होती है। इसकी थिकनेस काफ़ी कम होती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने छोटे मोटे डॉक्यूमेंट को लेमिनेशन करने के लिए। दोस्तों, ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया है जो कि फ्लिपकार्ट से। आप भी इसे टेक्स्ट मशीन को यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके डिसएडवांटेज को अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद ही ये आप परचेस कीजिएगा। दोस्तों, दिखने में काफ़ी कूल लुक है एंड बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, इसकी जो मेन डिसएडवांटेज है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो इस सच्चाई से भरे वीडियो को लाने के लिए दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड और इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। दोस्तों टेक्स्ट मशीन है, यहाँ से आपको इंसर्ट करना होगा किसी भी लेमिनेशन शीट को। इस जगह से आपको इंसर्ट करना है। इस पे A4 से लेकर किसी भी साइज तक के आप लेमिनेशन कर सकते हैं। दोस्तों, ये रेडी और एक पावर बटन है जो आपके वार्म होने पर रेड LED लाइट जल जाता है। दोस्तों, ये जैम रिलीज बटन है। जब भी आपका लेमिनेशन मशीन जैम हो जाएगा तो आपको इस बटन को दबाकर अपने जैम को रिलीज़ कर लेना होगा। दोस्तों, इस लेमिनेशन में यह प्रॉब्लम आती है कि जब भी मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को इस लेमिनेशन के लिए डालता हूँ तब यह आउटसाइड से यह पूरी तरह से नहीं निकलता, बीच में ही फंस जाता है दोस्तों, और फंस कर पूरा एक जैम होकर एकदम चिपक जाता है एक दूसरे से शीट। तो दोस्तों, ये कहाँ पर चिपकता है मैं आपको बताता हूँ। ये मोटर है दोस्तों एंड इसके बैक साइड में चलते हैं। ये दोस्तों, ये जो डग बने हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इस डग पर अटक जाता है ये, और ये आउटसाइड पर पूरी तरह से नहीं निकलता और इसी जगह पर फंस जाता है और पेपर आपस में चिपक जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो डग है, तो दोस्तों इसमें मेरे कई मेन डॉक्यूमेंट इसमें फंस चुके हैं और जो कि एकदम बेकार हो चुके हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। और इसके अलावा मैंने और भी कई सारे डॉक्यूमेंट जो है वेस्ट किए हैं इस सड़े से मशीन पर, जो कि टेक्स्ट के हैं। दोस्तों, ये जो डक है इसी पर फंसते हैं, तो मैंने इसके जो ऊपर वाले कवर है इसको निकाल कर ही लेमिनेशन करता हूँ अब। तो आप भी दोस्तों देख लीजिएगा, इस पर ये प्रॉब्लम आती है। आपके पास ये मशीन है, आपके पास ये प्रॉब्लम फेस किया है या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स कर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा
बाकी सब इसकी जो टाइमिंग एंड लेमिनेशन स्पीड काफ़ी अच्छी है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी बड़ा डक है और इसकी जो लेमिनेशन के ऊपर जो एक कवर लगा हुआ है ये भी नीचे की ओर धकेलता है, जिससे क्या होता है कोई भी डॉक्यूमेंट उस जगह पर फंस जाता है। और अब मैं जब इस कवर को निकाल कर करता हूँ तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। क्या हुआ दोस्तों, ये कोई भी अगर लेमिनेशन शीट को आप अगर इस लेमिनेशन मशीन पर डालते हैं तो गर्म होकर नीचे की ओर चला जाता है, जिससे वो डक्स पर फंस जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं बिना कवर के कोई भी डॉक्यूमेंट को डालता हूँ तो बड़ी इजीली तरीके से ये बाहर आ जाता है। तो दोस्तों यही है मेन मुद्दा जो आपको मैं बताना चाहता था इस मशीन के बारे में। तो आप भी सोच समझ कर खरीदिएगा, क्योंकि ये ट्रू वीडियो है एकदम, वो भी लाइव में दिखा रहा हूँ। तो इस तरह के वीडियो कोई भी हकीकत नहीं बताता, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये ट्रू बातें आपको बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।